तो गियर लीवर और क्लच छोड़ते ही क्यूएस की लाइट 5 बार ब्लिंक करेगी और आपका क्विक शिफ्टर ऑन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्विक शिफ्टर के बारे में, कैसे इसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। पहले तो हमें ये लगता था कि इसमें जो क्विक शिफ्टर आता है उससे हम लोग ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, मगर ये पॉसिबल है कि इसे डीएक्टिवेट और एक्टिव करा जा सकता है, क्योंकि जो जो क्विक शिफ्टर R15M और मॉन्स्टर एडिशन में आता था तो वो कंपनी फिटेड आता था, तो उसमें ऑन करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं होता था, ये हमेशा से ऑन होता था। मगर जो V4 में आता था और जो एसेसरीज में आते हैं तो उनको इंस्टॉल करने के बाद ऑन भी करना पड़ता है, बहुत से शोरूम वाले भूल जाते हैं ऑन करना। तो आज ये प्रोसेस देखेंगे कि कैसे होता है ऑन और ऑफ। तो आपको क्विक शिफ्टर ऑफ करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस करना है वो अपनी बाइक को न्यूट्रन पर रखना है, उसके बाद चाबी बंद कर देनी है और क्लच को प्रेस कर लेना है और गियर लीवर को सेकंड गियर पर ऊपर ही उठाए रखना है, मतलब छोड़ना नहीं है, और लगभग 10 सेकंड तक इसे ऐसे ही प्रेस रखना है। उसके बाद से 10 सेकंड जब कंप्लीट हो जाए, जब 10 तक गिनती कर लीजिए आप आराम से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आपको यहाँ मीटर कंसोल पे आना है अपने, और अभी भी आपको क्लच प्रेस करके रखना है और गियर लीवर पकड़ कर रखना है। उसके बाद आपको 10 सेकंड फिर रुकना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आपको क्लच और गियर लीवर छोड़ देना है। ये देखिए क्यूएस की लाइट जल के आ गई, मतलब अब आपका क्विक शिफ्टर ऑफ हो गया है। आइए बाइक राइड करते हैं और देखते हैं क्विक शिफ्टर ऑफ हुआ है कि नहीं। तो चलिए बाइक करते हैं राइड और देखते हैं क्विक शिफ्टर हुआ है ऑफ कि नहीं हुआ। गियर भी शिफ्ट नहीं हुआ है, पहले 2000 आरपीएम के बाद इसमें गियर शिफ्ट करने के लिए आ जाता था, अब वो नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं प्रोसेस इसे ऑन कैसे करना है। तो वही सेम प्रोसेस आपको दोबारा रिपीट करना है, आप अपनी बाइक न्यूटन पे बंद करनी है और क्लच करना है प्रेस, और इसे सेकंड गियर पे ऊपर उठा कर रखना है लगभग 10 सेकंड तक। क्लच और गियर लीवर आपको 10 सेकंड तक उठा कर रखना है और 10 सेकंड तक वेट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और आपको आ जाना अपने मीटर कंसोल पे और ऑन करना है, और ऑन करने के बाद भी आपको 10 सेकंड तक वेट करना है लगभग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और आपको गियर लीवर और क्लच लीवर छोड़ देना है। उसके बाद ये क्यूएस 5 बार ब्लिंक करेगा। क्विक शिफ्टर अब हो चुका है ऑन। आइए देखते हैं राइड करके कि क्विक शिफ्टर आपका कैसे वर्क कर रहा है। देखते हैं हमारा क्विक शिफ्टर ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। ये हमने इंगेज किया सेकंड गियर, ज़्यादा इंगेज कर दिया मैंने लोगों ने, कुछ शिफ्टर काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है अपने। तो ये था कुछ प्रोसेस अपनी बाइक में कुछ शिफ्टर ऑफ करने का और ऑन करने का।